दोस्तों रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये जो पावर सप्लाई है कुछ इस तरीके की पावर सप्लाई है। और दोस्तों अगर आप ये देखेंगे तो इस पावर सप्लाई के अंदर क्या है कि बहुत सारे सर्किट इसके अंदर है और इन सर्किट को कैसे पहचानना है, कैसे इसको रिपेयर करना है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जो पावर सप्लाई है ये सेंसुई के सेट में लग के आई हुई है और इस पावर सप्लाई के अंदर अलग अलग सर्किट बने हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्टैंड बाई सर्किट इसके अंदर बना हुआ है, यहाँ पे एक इसका पीएफसी सर्किट बना हुआ है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक ऑसिलेशन सर्किट बना हुआ है। तो दोस्तों इस पावर सप्लाई के अंदर अगर आप देखेंगे तो कपलर भी तीन तीन लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। तो तीन तीन इसके अंदर कपलर लगे हुए हैं और ये पावर सप्लाई अभी इसके अंदर प्रेजेंट कंडीशन में डेड कंडीशन में है, यानी कि ये जो सेट हमारे पास आया है ये पावर सप्लाई की वजह से बिल्कुल डेड कंडीशन में है। तो इसको आप कैसे चेक करोगे इसको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पावर सप्लाई के अंदर इसकी जो स्टैंड बाई वोल्टेज होती है उसको चेक करेंगे। और स्टैंड बाई वोल्टेज को चेक करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये कनेक्टर बना हुआ है जो कि हमारे मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई जो कि है स्टैंड बाई वोल्टेज यहाँ पे बनती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी पी एस ओन की पिन है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर की पी एस ओन है और 6 नंबर की इसकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टैंड बाई सप्लाई की पिन है। अभी क्या है कि इसके अंदर अगर हम सप्लाई लगा के देखते हैं तो इसके अंदर क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये मैं पावर लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो ये पावर लगाने के बाद अगर हम इसके अंदर सप्लाई चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मल्टीमीटर को मैं डीसी वोल्ट की रेंज पर सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका जो कनेक्टर है यानी कि यहाँ पे इसका कनेक्टर है, अगर हम इस पर वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे जो मेरे को वोल्टेज है वो 5 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को अभी कोई भी वोल्टेज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो सप्लाई है ये सप्लाई हमारी जो आ रही है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉइल लगी हुई है और यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड लगा हुआ है जो डायोड हमारा स्टैंड बाई वोल्टेज बनाने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी दोनों पिनें शॉर्ट हैं और यहाँ पे एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है, यहाँ पे शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है और जब यहाँ पे वोल्टेज आएगी तभी हमारा ये 5 वोल्ट की सप्लाई बननी स्टार्ट होगी, लेकिन अभी यहाँ पर जो 5 वोल्ट की सप्लाई स्टैंड बाई वोल्टेज है वो हमारी नहीं बन रही है। तो दोस्तों कई सारे टेक्नीशियनों को प्रॉब्लम ये आती है कि इस तरीके की पावर सप्लाइयाँ जब वो देखते हैं रिपेयर करने के लिए उनके पास आती है तो मोस्टली टेक्नीशियन पावर सप्लाई को रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सारे सर्किट की पहचान होती है तो सर्किट को पहचानने के बाद पावर सप्लाई को आप आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इसका सर्किट है ये इसका स्टैंड बाई सर्किट है और जब तक हमारा ये स्टैंड बाई सर्किट ऑन नहीं होगा तब तक हमारा ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई स्टैंड बाई वोल्टेज है ये हमारी नहीं बनेगी। इस कंडीशन में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक हमारा मॉस्फेट लगा हुआ है और यहाँ पे हमारी एक PWM IC लगी हुई है जो कि हमारे स्टैंड बाई वोल्टेज का बनाने का काम करती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा मेन फिल्टर लगा हुआ है, तो मेन फिल्टर पर जो इसका वोल्टेज बन रहा है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं वोल्टेज इसका 333 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे हमारे को वोल्टेज देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा जो EMI सर्किट और ब्रिज रेक्टिफायर वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ऑसिलेशन सर्किट है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 2 MOSFET इसके अंदर लगे हुए हैं और यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो इतना सर्किट हमारा PFC का सर्किट है जो कि हमारा मेन फिल्टर पर वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करता है। तो अभी क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमारे को इसका इसका स्टैंड बाई सर्किट को रिपेयर करना पड़ेगा और जब स्टैंड बाई सर्किट को रिपेयर करने के बाद पता चलेगा कि इस पावर सप्लाई की क्या कंडीशन बनने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रिपेयर करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक MOSFET लगा हुआ है, ये IC लगी हुई है,
इन दोनों को मैं रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के बाद सबसे पहले हम इस सर्किट को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जब ये सर्किट स्टार्ट होगा तभी हमारा आगे का सर्किट काम करना शुरू करेगा। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, इसको यहाँ से पावर निकाल लेता हूँ। और पावर निकालने के बाद देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब आप पावर सप्लाई पे काम करते हैं और पावर सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो इसके अंदर जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा चार्ज रहता है। तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए आप यहाँ पे एक 0 वाट के बल्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बल्ब अगर आपके पास प्रेजेंट में अवेलेबल तो आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट करके भी कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट करने से क्या होता है, थोड़ा सा हार्मफुल होता है, कई बार करंट भी लग जाता है। तो मैं इसको यहाँ से डिस्चार्ज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, और डिस्चार्ज करने के बाद सबसे पहले हम इसकी जो यहाँ पे आप ये देखेंगे मॉस्फेट और आईसी को रिमूव करके देखते हैं। और मॉस्फेट और आईसी को रिमूव करने के बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। तो मैं आपको रिपेयर करना पूरी तरीके से दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको परफेक्ट तरीके से इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो इसको क्या है, सबसे पहले हम डिसोल्डर वायर से हम इसको डिसोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है मॉस्फेट है, तो मॉस्फेट की सभी पिनों को हम डिसोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। तो आपको जब भी काम करना होता है पावर सप्लाई पे, तो फिनिशिंग से काम करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि निकालते या लगाते टाइम कई टेक्नीशियन इसके प्रिंट भी उखाड़ देते हैं। तो इस तरीके का नुकसान होगा तो रिपेयर करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। अगर आपको LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको पूरी पावर सप्लाई को PFC कैसे रिपेयर की जाती है, या पैनल के अंदर आने वाली प्रॉब्लम, सभी तरीके की प्रॉब्लम को आपको रिपेयर करना हम सिखाते हैं। और इस तरीके से हम इसको डिसोल्ड करते हैं। ये देखिए, ये हमारी जो MOSFET है पूरी तरीके से डिसोल्ड हो चुका है, और इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये हमारा MOSFET है, और इस MOSFET को हम प्रॉपर तरीके से बाहर करते हैं। और MOSFET को निकालने के बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक PWM IC भी है, तो इसको भी हमारे को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम SMD मशीन का यूज़ करेंगे। तो जब भी आप SMD का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हीट थोड़ी सी हम कम रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो पावर सप्लाई होती है इसके जो लेयर होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, जिससे कि लेयर फूलने का बहुत प्रॉब्लम इसके अंदर हमारे को देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हम टेम्परेचर को 350 या 300 के बीच में रखेंगे, और उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करते टाइम इस तरीके से आपको घुमाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसी हमारी रिमूव हो चुकी है, इसको भी हम इसके साइड में रख लेते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये MOSFET और आईसी हमने दोनों को रिमूव कर लिया है। तो इस तरीके से हम किसी भी सोल्डिंग डिसोल्डिंग को हम आसान तरीके से करते हैं। तो जब भी आप काम करें बिल्कुल फिनिशिंग से काम करें, ताकि पावर सप्लाई में और कोई कंपोनेंट जो होते हैं वो डैमेज ना हो। इसको मैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये बिल्कुल फिनिशिंग से क्लीन हो चुका है। तो अभी क्या है, इसको हम चेक करने के लिए एज ए टेस्टिंग पर्पज़ पे, तो मैं यहाँ पे DMO लगा के देखूँगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास DM0 465 आ रहा है। तो ये जो DM0 465 है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, और DM0 465 लगाने के बाद हमारे को एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि जो हमारा PWM IC है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि PWM IC को प्रॉपर तरीके से हम चेक नहीं कर सकते जब तक वो MOSFET के साथ काम ना करें। और अगर हम इसको मल्टीमीटर से चेक करने की कोशिश करते हैं तो फिर कई बार क्या होता है कि हमारी IC शॉर्ट हो जाती है। तो इसके लिए क्या काम करना है कि आपको IC और MOSFET को रिमूव करके ये आप स्पेयर में रख सकते हो एज ए टूल की तरह, और इसको लगा के आप चेक कर सकते हो। आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी आईसी की क्या कंडीशन है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। लगाते टाइम आपको ध्यान देना है कि कौन सा कनेक्शन आपको कहाँ पे करना है, ये सारे कनेक्शन आपको याद रहने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसके कनेक्शन कर देता हूँ सारे, और कनेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसके जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से कर दिए हैं,
तो जब भी आपको कनेक्शन करने होते हैं तो इसी तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं, तो ये ऑलमोस्ट मोस्टली टेक्नीशियन को करने आते हैं इसके कनेक्शन, तो इसलिए मैंने इसके कनेक्शन ज़्यादा बताए नहीं है। अभी क्या है कि इसको हम चेक करते हैं पावर लगा के, और पावर लगा के चेक करने पर हमारे को क्या कंडीशन मिलती है। तो मैंने इसको पावर दे दिया है, और पावर देने के बाद सबसे पहले हम इसकी स्टैंड बाई वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी स्टैंड बाई वोल्टेज जो है बिल्कुल 5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है, यानी कि इसका जो स्टैंड बाई सर्किट था, यानी कि जो इसकी PWM IC थी वो हमारी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हमारी ये पावर सप्लाई डेड कंडीशन में थी। अभी क्या है, ये जो सप्लाई है ये हमारी सप्लाई सीधी इस पिन पे आ रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये हमारी जो स्टैंड बाई की पिन है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये इसकी स्टैंड बाई की पिन है। तो यहाँ पे इसकी जो 5 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है, यानी कि यहाँ पे इसकी 24 वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए, जो कि LED ड्राइवर के लिए बनती है। और इसके अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो भी इसके अंदर नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि हमने अभी इसका PS ऑन और 5 वोल्ट की सप्लाई को आपस में शॉर्ट नहीं कर रहा है। तो शॉर्ट करने के लिए हम PS ऑन यानी कि स्टैंड बाई वोल्टेज और पावर सप्लाई ऑन वाली पिन को दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करने के बाद देखते हैं कि हमारी जो और दूसरे सर्किट है वो हमारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से रिपेयर करना है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मैं इनको क्या है कि यहाँ पे शोल्डर से शॉर्ट कर लेता हूँ, और शोल्डर से शॉर्ट करने के बाद दोबारा से हम इसके अंदर सप्लाई देंगे, और सप्लाई देने के बाद सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसका जो 24 वोल्ट की सप्लाई 23 बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये 12 वोल्ट भी हमारा ओके है। तो अभी क्या है, पावर सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुकी है। इस तरीके से पावर सप्लाई को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।